गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है, संडे का ये बाजार देखो। सब्जी बाजार से कुछ सब्जी लाए थे और ये मिर्चा अचार में डालने के लिए लाए हैं, बहुत टेस्टी होती है। सो साथ में मछली भी लाए हैं, इसका भी रेसिपी लाऊंगी। और ये हम लोग बैम्बो मतलब पेड़ का जो है गाज बोलते हैं इसको, इसका अचार बनाऊंगी। इसको मानी मुनी पात बोलते हैं गाइस, इसको भी मैं मछली के साथ बनाऊंगी। थोड़े दिन, दो तीन दिन पहले इसको मैंने निकाली थी गार्डन से, अभी थोड़ी मतलब पत्ता सूखा जैसा हो रहा है, फिर भी मैं चुन चुन के ले लूँगी जो जो अच्छा है। सो इसका भी एक छोटी मोटी रेसिपी लाऊँगी आप लोगों से, रेसिपी मतलब नहीं बनाऊँगी, ऐसे दिखाऊंगी साथ में। पोस्तदाना, सरसों और ये काजू, इसको भी मैं भिगो के रखूंगी इस रेसिपी के लिए। गाइस, इसको मैं रेडी कर ली। ये देखो, सरसों, पोस्तदाना और काजू, ये प्याज, मैं तीन प्याज दी थी मीडियम साइज की, ये लहसुन चार कुटा, अदरक और ये मिर्चा। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी फटाफट, उसके बाद रेसिपी शुरू। लहसुन सब कुछ दे दी, इधर ये भी दे दूँगी मैं, और साथ में मैं प्याज भी दे दूँगी गाइस। अब इसको मैं फटाफट ग्राइंड कर लूँगी, और सिंपल रेसिपी है रुई पोस्तो। मानी मुनी पात को भी मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी दूसरी रेसिपी के लिए। तेल गर्म हो गई है, अभी एक एक करके मैं डाल दूँगी, एक एक चीज़ को डाल कर लूँगी। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है गाइस, ऐसा जरूर ट्राई कर सकते हैं। सब मसाले को मैं रेडी कर ली, ये मछली को फ्राई करके फिर बनाऊँगी। तो धीरे धीरे करके मछली फ्राई हो रही है। और अभी फ्राई हो गई, इस कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, तेल दे रही हूँ और सब काजू पोस्तदाना को सब मैं ग्राइंड करके रखी थी। पहले एक लाल मिर्चा दे रही हूँ तेल में, उसके बाद सफ़ेद जीरा दे रही हूँ थोड़ी बहुत, उसके बाद लौंग, इलायची और गोल मिर्चा तेल में ही डाल दूँगी मैं। उसके बाद जो ये ग्राइंड करके रखी थी मसाला, उसको डाल रही हूँ धीरे धीरे करके। मैं हिला रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ। देखो गाइस, कितना सही लग रहा है ना, तेल साइड से एकदम निकल रही है। और थोड़ी चीनी दे देती हूँ, चीनी देने से स्वाद मतलब का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और हल्दी पाउडर दे रही हूँ थोड़ी बहुत, फिर मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। देखो गाइस, और मैं ये स्वाद अनुसार नमक दे रही हूँ, उसके बाद थोड़ी लाल मिर्च कलर दे रही हूँ। लाल मिर्च कलर देने से मतलब सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छी आती है, इसलिए थोड़ी कलर भी मैं डाल देती हूँ, और मुझे पसंद भी है, कलर थोड़ा अच्छा होने से अच्छे लगते हैं। और थोड़ी क्रीम भी दे रही हूँ एकदम मलाई मर के, काजू तो दिया हुआ ही है, साथ में क्रीम भी दे रही हूँ। ऐसे डालने से बहुत टेस्टी होती है गाइस, रेसिपी का स्वाद मतलब दो गुना ज़्यादा हो जाती है। मिक्सर ग्राइंडर का जो पानी था ना, उसको डाल रही हूँ थोड़ी, जब तक मसाले से तेल बाहर नहीं निकलती है, तो मसाले को मैं ऐसे भूनती रहूँगी। उसके बाद थोड़ी पानी दे दूँगी,
देखो कितने अच्छे से हो रही है गाइस, और बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। इसको मैं थोड़ी बॉइल्ड वाटर दे दिया घर पर, अभी मछली दे दूँगी। और ये देखो गाइस धीरे धीरे हो रही है, ये अच्छे से हो रही है और एकदम सिंपल रेसिपी है, फटाफट हो जाती है। देखो रेडी हो ही गई लगभग, थोड़ी गैस की फ्लेम में एकदम कमती करके रखी हूँ, धीरे धीरे धीमी धीमी फ्लेम में होने से और भी स्वाद अच्छी आती है गाइस। और फाइनली कंप्लीट हो ही गई, साथ में मतलब मिर्चा डाल रही हूँ, मिर्चा डालने से और भी स्वाद ज़्यादा आती है। जिसको पसंद है दे सकते हैं, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी डिजाइन करने के लिए भी दे रही हूँ और स्वाद के लिए भी दे रही हूँ गाइस। देखो मेरी रुई पुष्ट करी रेडी हो गई, देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना रेसिपी, बहुत टेस्टी है खाने में भी। और फाइनली मेरी रुई पुष्ट करी रेडी हो गई गाइस, अभी दूसरी रेसिपी को शुरू करती हूँ, थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ। तेल गर्म हो गई, लाल मिर्च एक दे रही हूँ, हरा मिर्च भी दे रही हूँ साथ में, और काला जीरा दे रही हूँ जो फ़ोरन में देना चाहिए इस रेसिपी के लिए। सो अच्छे से हो रही है, अभी लहसुन अदरक भी दे देती हूँ, ये जो मानी मुनी पाट का रेसिपी है ना इसके लिए ये सब तैयारी कर रही हूँ। सो अच्छे से अभी मैं मिला रही हूँ इसको, थोड़ी हल्दी मैं दे दूँगी इधर ही, फिर से मिला रही हूँ। देखो अच्छे से, और जो ग्राइंड करके रखी थी ये मानी मुनी की पत्ता उसको मैं डाल रही हूँ इधर ही गाइस। और ये एक बहुत टेस्टी और अच्छी रेसिपी है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, मतलब आसामी रेसिपी है ये मानी मुनी पत्ता का मछली के साथ। और देखो धीरे धीरे हो रही है, इसको भी दे रही हूँ। और अभी मैं धीमी धीमी फ्लेम में बनाऊंगी। देखो हो रही है गाइस, अभी मैं मछली दे दी, सिर्फ इधर दो पीस ही दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और ये एक बढ़िया रेसिपी रेडी हो गई, और थोड़े ब्लैक पेपर भी दे रही हूँ, हम लोग जा लोग बोलते हैं गोल मिर्चा जो है ना वो। अभी देखो गाइस धीरे धीरे हो रही है। सो ये रेसिपी भी मेरी कंप्लीट हो गई गाइस, देखो कितनी अच्छी और सिंपल रेसिपी है, आज दो रेसिपी लाई आप लोग के सामने। मेरी ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई, रुई सरसों रेसिपी। अच्छा लगा तो कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।